Yeah, I think रुको जरा सबर गो। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो मुझे पता है आप भी इस टाइप की रील्स बनाना चाहते हो, तभी इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये वाली रील्स इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि ये वाली रील्स ना यहाँ पे देख सकते हो जो एरो होता है, अगर आपको पता करना है कि कौन सी रील्स वायरल हो रही है, जो ये एरो का ऑप्शन है, तीर का ऑप्शन है, ये ऑडियो का ऊपर होगा, तो ये वाली रील्स इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो ये रील्स बहुत कम बनी है, अगर आप ही इस ऑडियो पे रील बनाकर ये वाली अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। तो आज ना आपको मैं ये वाली वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ कि कैसे बना सकते हो आप भी इस टाइप की रील्स अपनी फ़ोटो लगाकर। तो इस वीडियो को बनाने के लिए ना आपके पास सब बस आपको फ़ोटोज़ चाहिए, तो ऑडियो भी लगा दिए, वीडियो भी लगा दिए, जो कनाइफ वाली वीडियो होती है ना वो मैंने ऐड कर दी है, बस आपको अपनी फ़ोटोस रिप्लेस करनी होगी। तो इस टाइप की बहुत ही आसान है बनानी, बस आपको इस वीडियो का एंड तक देखना होगा। अगर आपको लगता है ये मुश्किल है, बस लगता है ना मुश्किल है बनाना नहीं बनेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना अगर नहीं बनाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले तो वीडियो पे मिलियन पे व्यू जा रहे हैं, 3 मिलियन व्यू आ गए पहली वीडियो पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मिलियन आ गए, 4 लाख व्यू आने वाले हैं, तो लाइक्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए ना आपके पास तो एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला एप्लीकेशन है, इस ऐप को हम कर लेंगे ओपन। आप इस ऐप को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे। यहाँ पर मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लेता हूँ, सीधा डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगी, उस फाइल पे ना आपको क्लिक कर देना होगा। आपका डाटा ऑन होना चाहिए, जैसे कि मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो ये मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप में मैंने एक फ़ाइल दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली फ़ाइल, इस फाइल पर ना आपको क्लिक कर देना हो। जब इस फाइल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। पहले तो आप VN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, फिर ही ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन शो होगा आपके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो भी ऐड की है मैंने, वीडियो भी ऐड कर दी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है ना, इस जगह पर ना आपको अपनी फ़ोटोज़ ऐड करनी होगी, वो भी मैं बताता हूँ कैसे आप ऐड करोगे, बस आपको इस वीडियो को ना एंड तक देखना होगा। अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का उसे जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप ये वाली वीडियोस देख सकते हो जो भी वायरल होती हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखें। न्यू वीडियो देखने के लिए फॉलो जरूर कर लें इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर मैं स्टोरी भी अपलोड कर देता हूँ। अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, तो मैं आपकी वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी फ़ोटो कैसे ऐड करनी होगी वो बता देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक फ़ोटो है ना, इस फोटो पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको 4th नंबर पे दिखता होगा रीप्लेस का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब रीप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, तो इस नंबर इस साइड पर आपको वीडियोज़ शो हो गई, तो यहाँ पर वीडियोज़ के साथ में फ़ोटोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके ना आपकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी, जहाँ भी आपको जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से एक ये वाली फ़ोटो लगा लेता हूँ, आप जैसे ये वाली फ़ोटो आ गई, आपको फ़ोटो को एडजस्ट करने के लिए फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ को। तो मैंने एक ये वाली फ़ोटो लगा ली, इसके बाद अगले फ़ोटो पे जाएंगे, जैसे अगला बैकग्राउंड आ गया है बैकग्राउंड, इस ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे 2nd नंबर फ़ोटो पर, फिर रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ़ोटोज़ पर जाकर आपको अपनी एक फ़ोटो लगा लेनी होगी, नहीं तो वीडियो लगाना चाहते हो वीडियो भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर और का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ है होगी, उस फोल्डर पे आपको जाकर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी, जैसे कि मैंने एक ये वाली ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद फिर 3rd नंबर वाले बैकग्राउंड पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटोज़ पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके आपको फिर से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी। इसी तरह से आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करते ही जाना होगा आपको, तो बाद में आपको लास्ट तक देखना वीडियो को, तभी आपको समझ आएगी। इसके बाद फिर से आप फोल्डर पे चले जाना होगा, इस तरह जैसा मैं कर रहा हूँ आपको अपनी वैसे ही फ़ोटो ऐड करते जानी होगी। जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ, सेम वही प्रोसेस है जो मैंने पहले आपको बता दिया है। रीप्लेस पे जाकर आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी, मैं एक ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ,
फोटोज पे आ गए ऑल पे क्लिक करके, जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर पे जाकर आपको एक फ़ोटो आदि सेलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ से कौन सी फ़ोटो सेलेक्ट करूँगी यार, चलो ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद कितनी फ़ोटो लगी, 5 फ़ोटो रह गई हैं, तो जल्दी से मैं इस फोटो पर क्लिक करके इसको भी रिप्लेस कर ही लेता हूँ। तो लास्ट में आप देखोगे इस टाइप की रील्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली है, इसलिए मैंने कहा कि आपको ट्यूटोरियल बता दिया जाए, आप भी बनाकर अपलोड करते हो सके आपकी वीडियो भी वायरल हो जाए। तो मैं यहाँ से एक और वीडियो ऐड कर फोटो ऐड कर लेता हूँ, सॉरी जैसे कि मैंने ये वाली फ़ोटो ऐड कर ली, यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करके फिर फोटोज़ पे क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे, ऑल पे क्लिक करके अब मैं चले जाता हूँ पिक्सआर्ट फोल्डर पे, वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाली फ़ोटो लगा लेते हैं, फिर से एक ये वाली फ़ोटो लगा लेते हैं, इसके बाद 2 फोटोस लगी हैं, इस फोटो पे क्लिक करके रिप्लेस पे क्लिक करके फोटोस पे क्लिक करके यहाँ से एक और फ़ोटो लगा लेते हैं। इसी तरह से आपको अपनी फ़ोटोस लगाते जाना है, जहाँ तक मैंने बैकग्राउंड दिया ब्लैक कलर का, तो आपकी फ़ोटो जब लग जाएंगी, सभी फ़ोटोस लग जाएंगी तो आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एक ये वाली फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर से जाकर रिप्लेस पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करके एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, लास्ट वाली फ़ोटो है यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ गई फोल्डर, माय फोटोस, ये फोल्डर आ गया। इस फोल्डर में मेरी फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर दी, आप जैसे सभी फ़ोटोज़ ऐड हो गई हैं। इसी तरह से आपको अपनी फ़ोटोज़ ऐड कर लेनी होगी। तो अब मैं आपको वीडियोस प्ले करके दिखा देता हूँ, ऑडियो को बढ़ा लेता हूँ, तो प्ले कर दिया मैंने। आपने ये तो देख लिया, इस अगर आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, जैसे जूम इन जूम आउट होता है ना, वो लगाना बताने जा रहा हूँ, अगर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, आपकी मर्जी। नहीं तो सीधा यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी वीडियो सेव हो जाएगी गैलरी में, तो आप